नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। पति और पत्नी के प्रेम को दर्शाने और उनके बीच का प्यार कायम रखने के लिए पत्नियां करवा चौथ के व्रत को करती हैं। आज यानी 13 अक्टूबर को ब्रह्मा मुहूर्त के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। करवा चौथ का व्रत सालों बाद कई संयोग लेकर आ रहा है, जिसने आज की अहमियत को और बढ़ा दिया है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार करवा चौथ पर ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा सुफल देने वाले गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। यह अद्भुत संयोग सुख समृद्धि और वैभव में वृद्धि करने वाला होगा। इसी के साथ सुहागिन औरतें के अखंड सौभाग्य और सुख सुविधा के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। आज के दिन शादीशुदा महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत को पूरा किया जाता है और फिर महिलाएं पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करती। करवा चौथ पर चंद्रोदय समय, अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर चंद्रोदय का समय अलग ही होगा। पटना में 7:44 पर चांद दिखेगा, रांची में 7:48 पर, दिल्ली में 8:09 पर और मुंबई में 8:48 पर।